हेलो फ्रेंड्स, लू या हीट वेव से बचने के लिए आप बहुत ज्यादा पानी पिए, एसी या कूलर में से एकदम बाहर धूप में ना जाएं और डेली आप शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करें। उससे आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, तो इसलिए आप उसका अभ्यास करें। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी और बता रही हूँ। देखिये, शीतली प्राणायाम ऐसे करते हैं, जबान को गोल कर लीजिए और अंदर सांस खींचिए। जब तक खींचिए तब तक आपको लगे बस अब और नहीं खींच सकता हूँ, फिर उसके बाद आप अंदर उसको होल्ड कीजिए उस सांस को, फिर धीरे से बाहर नाक से निकाल दीजिए। देखिए कैसे, होल्ड, ये बंद लगा लीजिए, अब लेफ्ट साइड से आउट कर दीजिए। देखिए 8-10 बार आप ये कीजिए, उससे आपके बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रहेगा अंदर पेट का, ठीक है। तो गर्मी के जो भी प्रॉब्लम है, फीवर आना, लूज मोशन होना और जो है गर्मी लगना पेट में और सब, वो सारा आपको नहीं होगा। लू लगना है सब, ठीक है, पेट ठंडा रहेगा। छाले होना, छाले बहुत होते आजकल, तो सारी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखिए शीतकारी प्राणायाम भी देख लीजिए, शीतकारी। देखिये दोनों दांत खींचेंगे, उसमें अपन ने जबान गोल करके जबान से ली थी, अब यहाँ दांत से अपन लेंगे। देखिये मुंह बंद, होल्ड कीजिए, लेफ्ट साइड से आउट। तो फ्रेंड्स, एक दो एक्सरसाइज कीजिए और जो है ये प्राणायाम कीजिए एक दो, और जो है पानी ज्यादा भरपूर पीजिए और 12 से 4 बाहर मत निकलिए, और अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कीजिए। तो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।